हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 11 व्रत। बच्चों, अब हम अर्धव्रत पर बने कोण के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि इसका दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, हम सीखते हैं कि अर्धव्रत का कोण कितने डिग्री का होता है। हमने ये सर्कल खींचा और इसका व्यास खींचा। इसका केंद्र ओ है और व्यास के एंड पॉइंट ए एंड बी है। अब ए पॉइंट से हम वृत्त के किसी भी पॉइंट को लेते हुए बी पॉइंट तक मिलाते हैं। किसी भी पॉइंट तक हम ले करके मिला देते हैं, तब हम देखते हैं कि ये कोण और ये कोण कितने डिग्री का हमें मिलता है। तो इसके लिए बच्चों हम इस तरीके से एक प्रकार से ये समकोण पर काटती हुई रेखाएं खींचते हैं और इसका एक कट निकाल देते हैं। अब आप देख लीजिए कि ये क्या 90 डिग्री पर है। तो ये कोण भी 90 डिग्री पर है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। इसी तरीके से आप इधर का भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। अब हम इसका कट तो अब जब हम नापते हैं तब देखते हैं कि इसकी एक ही रेखा इस लाइन को ढक रही है और ये वाली रेखा इस लाइन को ढक रही है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तब इसमें भी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा इस कट से ढक रही हैं। अब इधर देख लो, इसमें भी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ढक रही है, अर्थात ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। अब हमने बच्चों क्या समझा, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण समकोण होता है। ठीक है, अब बच्चों हम अभ्यास 11A को बुक में ही समझते हैं। जैसे कि इस चित्र में ओ इस वृत्त का केंद्र है, तो पहले हम इनको न देखते हुए इसी को समझ लेते हैं कि ओ से ये केंद्र से वृत्त तक मिलने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, चाहे वो ओडी हो या वो ओसी हो। अब जो रेखा वृत्त को छू रही हो, दो सिरे पर छू रही हो लेकिन केंद्र से होकर ना जाए, तो वो हमारी जीवा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों को बताइए। तो रेखाखंड ए बी जीवा है, तो ए बी बिल्कुल ये ए बी जीवा है, केंद्र से होकर नहीं जा रही है, उससे हटकर जा रही है, अवृत्त के दो सिरों को छू रही है, तो वह जीवा है। क्यू एफ त्रिज्या है, क्यू ये है और एफ ये है, तो ये तो त्रिज्या नहीं है, है ना, यह सत्य है। ओ डी त्रिज्या है, ओ और डी ये त्रिज्या है, ये केंद्र से वृत्त तक छू रही है, तो ये त्रिज्या है। पी सी जीवा है, पी कहाँ है बच्चों, ये पॉइंट पी है, पी सी सी ये जीवा नहीं है, जीवा ये है और ये है। दूसरा है, अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है, ये हमने अभी सीखा। कितना मिला था हमको, 90 डिग्री, कितना मिला था 90 डिग्री। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, आकृति के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित कीजिए। अब इस ए बी रेखा से ये वृत्तखंड दो भागों में डिवाइड हो गया है, एक ए बी वाला भाग है और एक ए डी बी वाला भाग है, तो ये पूरा भाग छायांकित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न है, आकृति 11.6 में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, आकृति में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्य खंडों के नाम लिखिए। त्रिज्य खंड ये हैं, जैसे ए ओ बी ये त्रिज्य खंड है, दूसरा बी ओ सी ये भी एक त्रिज्य खंड है। ठीक है बच्चों,
अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र ओ है, इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरेंगे और एक हम वृत्त खींच देंगे। अब इसके सेंटर से हम एक लाइन खींच देंगे। अब हमने एक रेखा सेंटर से होते हुए वृत्त को छूते हुए खींच दी, माना इसके एंड पॉइंट ए और बी हैं, तब ए बी व्यास द्वारा ये पूरा वृत्त 2 अर्धवृत्तों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों छठा प्रश्न है, आकृति 11.7 में इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए सी बी कितने अंश का है, ए सी बी कितने अंश का है, अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। तो बच्चों हमने अभी ये करके सीखा था कि ए सी बी हमें कितने डिग्री का कोण मिल रहा था, समकोण, मतलब 90 डिग्री का, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर, इस वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी भी बिंदु पर निर्मित कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आंसर करूंगी। बेस्ट ऑफ लक।